अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप सारे बच्चे ठीक हैं? बच्चों, हमारा टॉपिक ये चल रहा है कायनात। कायनात अल्लाह ताला ने खूबसूरत अंदाज में बनाई है। कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने कायनात में बेशुमार खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं, जैसे खूबसूरत दरख्त पैदा किए हैं, फूल पैदा किए हैं, खूबसूरत जानवर पैदा किए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी कायनात का हिस्सा हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरती से बनाया है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ओपन हाउस, दरख्त के बारे में है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है, पेज नंबर है 46। ओपन हाउस, खुला घर। इफ आई वुड बी अ ट्री, अगर मैं एक दरख्त होता, आई वुड वॉन्ट टू सी, तो मैं देखना चाहता, अ बर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग, एक परिंदे को गाना गाते हुए, ऑन अ ब्रांच ऑफ मी, मेरी एक शाख पर। ब्रांच होता है शाख। आई वुड वॉन्ट, अगर मैं चाहता, अ क्विक तेजी, लिटिल स्क्विरल टू रन अप एंड डाउन, एक छोटी गिलहरी को ऊपर नीचे दौड़ते हुए, एंड अराउंड फॉर फन, और इर्द गिर्द मजा के लिए। आई वुड वॉन्ट अ कप ऑफ अ बियर टू कॉल, तो मैं चाहता कि मैं एक रीछ के बच्चे को बुलाऊं। एंड अ रैबिट बिग, और एक बड़ा खरगोश, एंड अ ट्री टोट स्मॉल, और एक दरख्त का छोटा मेंढक। आई वुड वॉन्ट अ पैरट, मैं एक तोता चाहता, इन माई ग्रीन लीव्स, मेरे सब्ज पत्तों में, ऑन वन ऑफ माई ब्रांचेज, और मेरी किसी एक शाख पर, टू ईट माई फ्रेश फ्रूट, मेरा ताज़ा फल खाता, एंड डाउन बाई रूट्स, और जड़ों के नीचे। आई वुड वॉन्ट अ माउस, मैं एक चूहा चाहता, विद लिटिल माउसलिंग, छोटे चूहे के बच्चों के साथ, इन इट्स हाउस, अपने घर में। अब बच्चों, हमने इसकी रीडिंग की है, इसके साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। पेज नंबर है 47। इसकी एक्सरसाइज है ए, फिल इन द सर्कल एंड आंसर द क्वेश्चन। सर्कल को हमने फिल करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द ट्री वांट अ बर्ड टू डू, दरख्त क्या चाहता है कि परिंदा क्या करे उस पर। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, टू सिंग अ सॉन्ग ऑन हिज ब्रांच, उसकी शाख पर बैठकर गाना गाए। नंबर 2 है, टू मेक अ नेस्ट इन इट, इसमें घोंसला बनाए। नंबर 3 है, टू स्लीप ऑन इट्स ब्रांच, उसकी शाख पर सोए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, टू सिंग अ सॉन्ग ऑन हिज ब्रांच। नंबर 2 है, द ट्री वॉन्ट्स डैश टू रन अप एंड डाउन, दरख्त क्या चाहता है जो उसके ऊपर नीचे भागे। 1 है अ टाइगर, एक चीता। नंबर 2 है स्क्विरल, एक गिलहरी। नंबर 3 है अ माउस, एक चूहा। इसका दूसरा ऑप्शन है अ स्क्विरल, एक दरख्त। द ट्री वॉन्ट्स अ स्क्विरल टू रन अप एंड डाउन। नंबर 3 है, वेयर डज द ट्री वॉन्ट द माउस टू लीव, दरख्त क्या चाहता है कि चूहा उसके कहाँ पर रहे। 1 ऑप्शन है इसका, ऑन द ब्रांच शाख पर रहे, ऑन इन द नेस्ट घोंसले में रहे, बाय द रूट्स उसकी जड़ों में। तो इसका तीसरा ऑप्शन है, बाय द रूट्स जड़ों में रहे। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द ट्री से अबाउट पैरट, दरख्त तोते के मुतल्लिक क्या कहता है। इसका आंसर है, आई वुड वॉन्ट अ पैरट इन माई ग्रीन लीव्स ऑफ ब्रांच, मैं अपनी शाख पर एक सबज तोता चाहता हूँ, या मैं अपनी सबज पत्तू में अपनी शाख पर एक तोता चाहता हूँ। 5 है, नेम द एनिमल्स दैट ट्री वॉन्ट्स ऑन एंड अराउंड इट, उन जानवरों के नाम लिखने जो दरख्त अपने इर्द गिर्द चाहता है। स्क्विरल, गिलहरी का, रीछ का बच्चा, राबिट खरगोश, पैरट तोता, माउस चूहा, बर्ड परिंदा, टोट मेंढक का बच्चा। अगेन 6, व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर यंग वंस, आर बेयर एंड माउस इन द पोएम। नज़्म में
रीछ और चूहे के बच्चों के लिए कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं? इसका आंसर है फॉर यंग वन आर बेयर कब इज यूज्ड, रीछ के बच्चे के लिए कब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वाइल फॉर यंग वन ऑफ माउस, जबकि चूहे के बच्चे के लिए इज यूज्ड माउस थिंग्स। बच्चों आगे पेज नंबर 48 पे है राइमिंग वर्ड्स, हम आवाज अल्फाज, इसका बी देखें, राइट एनी थ्री राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिए हुए अल्फाज हैं इनके हमने तीन तीन हम आवाज अल्फाज लिखने हैं। पहला है फन मजा, रन भागना, बल रोटी, सन सूरज। उसके बाद है बिग बड़ा, फिक इंजीर, रिक दांतली, डिक खोदना। आगे सिंग गाना, रिंग अंगूठी, किंग बादशाह, विंग पर, नाइट रात, राइट दुरुस्त, फाइट लड़ना, साइट मंजर, रूट जड़, बूट जूता, शूट गोली मारना, लूट माल नीमत। आगे सॉन्ग गाया, लॉन्ग लंबा, रॉन्ग गलत, स्ट्रॉन्ग मजबूत। इसे आगे स्मॉल छोटा, टाल लंबा, काल बुलाना, आल सब तमाम। यूज अबाउट राइमिंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, ऊपर जो दिए गए हम आवाज अल्फाज हैं इनके हमने सेंटेंस जुमले बनाने हैं। नंबर एक है अवर स्कूल हैव अ बिग बिल्डिंग, हमारे स्कूल की एक बड़ी इमारत है। बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, परिंदे खूबसूरत गीत गाते हैं। दिस बॉक्स इज फुल ऑफ स्मॉल पेंसिल्स, ये डिब्बा छोटी पेंसिलों से भरा हुआ है। अ बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक लड़का गाना गा रहा है। माई मदर टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट, मेरी अम्मी जान रात को मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। अ माउस लीव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री, एक चूहा दरख्त की जड़ में रहता है। आगे है एड एंडिंग्स, व्हेन वी एड ई डी आर आई एन जी, जब हम ई डी या आई एन जी ऐड करते हैं टू अ वर्ड एंडिंग एक लफ्ज के आखिर पर विद द कंसोनेंट, एक कंसोनेंट के साथ, एंड बिफोर इट इज अ वावल, और इससे पहले एक वावल होता है, वी डबल द लास्ट कंसोनेंट, हम आखिरी कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। ड्रॉप टपकना, ड्रॉप टपका, ड्रॉपिंग टपक रहा है। बच्चों जिस वर्ड के साथ आई एन जी लगता है उसका उसके मीनिंग हो जाते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। आगे है वन ड्रैग खींचना, ड्रैग्ड खींचा, ड्रैगिंग खींच रहा है। नंबर टू है क्लीन साफ करना, क्लीन साफ किया, क्लीनिंग साफ कर रहा है। आगे है रब रगड़ना, रब्ड रगड़ा, रबिंग रगड़ रहा है। नंबर फोर है ड्रिप कतरा टपकना, ड्रिप्ड कतरा टपका, ड्रिपिंग कतरा टपक रहा है। फाइव है स्लिप स्लिप फिसलना, स्लिप्ड फिसला, स्लिपिंग फिसल रहा है। सिक्स है स्टॉप रुकना, स्टॉप रुका, स्टॉपिंग रुक रहा है। सेवन है क्लैप ताली बजाना, क्लैप ताली बजाई, क्लैपिंग ताली बजा रहा है। इसे आगे है ई मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग एनी फाइव ऑफ द अबव वर्ब्स, ऊपर दिए गए वर्ब के हमने पांच सेंटेंस बनाने हैं। नंबर एक है माई हाउस इज क्लीन, मेरा घर साफ है। नंबर टू है प्लीज रब योर हैंड्स, ब्राय मेहरबानी अपने हाथों को रगड़ो। नंबर थ्री है डोंट रन भागो मत, यू कैन स्लिप, तुम स्लिप हो सकते हो, फिसल सकते हो। फोर है प्लीज स्टॉप दिस कार, ब्राय मेहरबानी इस कार को रोको। फाइव द बॉय क्लैप्स
लड़का तारिक जाता है व्हेन द कैट रन्स जब बिल्ली भागती है। बच्चों ये हमने एक्सरसाइज कर ली है, तो इसकी रीडिंग भी आपने याद करनी है और एक्सरसाइज याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।